डिप्टी स्पीकर पद पर मोदी का खेल, विपक्ष में हड़कंप। फिर लगा राहुल अखिलेश को तगड़ा झटका, लोकसभा में एक झटके में फंस गया विपक्ष। डिप्टी स्पीकर हमेशा जेकर आज मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी याद करा ते जीएमसी बाल जोगी जी। लोकसभा में अभी तमाम मुद्दों पर बवाल मचा हुआ है, विपक्ष जमकर हंगामा काट रहा है। इसी हंगामे के बीच विपक्ष के हाथों से स्पीकर पद निकल गया और अब मोदी सरकार ने एक और बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। अब की बार तो विपक्षी सांसद मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। दरअसल स्पीकर के बाद अब डिप्टी स्पीकर पद की बारी आ गई है। पिछली लोकसभा में ये पद खाली पड़ा था, लेकिन इस बार चुनाव में विपक्षी गठबंधन को 2019 की तुलना में शानदार जीत मिली है। विपक्ष ने 234 सीटें जीती, जबकि एनडीए ने 293 सीटों पर कब्जा किया है। अब विपक्ष मजबूत है तो उसने डिप्टी स्पीकर पद के लिए दावेदारी ठोक दी है। विपक्ष शोर मचा रहा था कि डिप्टी स्पीकर पद नहीं दिया गया तो वो स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार खड़ा करेगा, खड़ा भी किया। आखिर में क्या हुआ, हार मिली। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी स्पीकर को लेकर विपक्ष ने बवाल शुरू कर दिया है, लेकिन मोदी सरकार ने भी विपक्ष को एक बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक स्पीकर पद मिलने के बाद अब मोदी सरकार की ये राय है कि टीडीपी जैसे बीजेपी के किसी सहयोगी दल को ये पद मिल सकता है, तो ऐसे में विपक्षी खेमे में ये पद नहीं जाने की संभावना ज्यादा हो गई है। एक खास बात और बता दें, जब कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी तो डिप्टी स्पीकर का पद बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास था, लेकिन अब एनडीए अलग खेल करने की तैयारी में है और इस खेल में फंसेगा तो वो है पूरा विपक्ष। वो कैसे, चलिए विस्तार से समझाते हैं। जैसा कि लोकसभा स्पीकर के लिए विपक्ष ने वोटिंग करवाई, लेकिन बहुमत किसके पास था, एनडीए के पास। जाहिर सी बात है, जिसके ज्यादा वोट उसका पलड़ा भारी। स्पीकर पद बीजेपी आसानी से जीत गई और जब डिप्टी स्पीकर के लिए भी यही होगा। दोनों पक्ष अपना अपना उम्मीदवार उतारेंगे, जिसके पाले में ज्यादा वोट जाएंगे वो आसानी से बाजी मार लेगा। यही वजह है कि एनडीए टीडीपी को इस पद के लिए आगे कर सकता है, क्योंकि एनडीए के पास बहुमत है, ज्यादा वोट हैं। तो डिप्टी स्पीकर का पद भी हल्ला काट रहे विपक्ष के हाथों से निकलता दिखाई दे रहा है। बता दें कि 17वीं लोकसभा में उपसभापति का पद खाली था, 16वीं लोकसभा में तत्कालीन बीजेपी सहयोगी AIADMK के एम थंबीदुरई डिप्टी स्पीकर थे। तो पिछली लोकसभा में विपक्ष मजबूत नहीं था, इसलिए डिप्टी स्पीकर के पद पर ये लोग दावेदारी नहीं कर पाए। और जब विपक्ष मजबूत है तो लगातार डिप्टी स्पीकर का पद मांगकर हंगामा कर रहा है। इस मुद्दे पर आप सांसद की संसद में जमकर बहसबाजी भी हुई, क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। क्योंकि डिप्टी स्पीकर हमेशा जेकर आज मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी नूं याद करा ते जीएमसी बाल जोगी जी टीडीपी तो सी और स्पीकर सीगे और प्लीज माननीय सदस्य और कांग्रेस से डिप्टी स्पीकर थे। सर मैं आपको धन्यवाद देता हूं सर, एक मिनट सर, आई विल कंक्लूड सर, एक मिनट सर। स्पीकर का चुनाव कब होता है कानून में पढ़ा करो सर, हो या ना हो पर बना देना चाहिए था, इसमें बड़ी बात होती, राजकुमार लोग बधाई देते जी। विपक्ष हंगामा काटने में बिजी है और मोदी सरकार ने खेल शुरू कर दिया है, आगे की धांसू रणनीति सेट कर ली है, जिससे विपक्ष के हाथ इस बार भी खाली रहने वाले हैं। तो चलिए ये भी बताते हैं कि डिप्टी स्पीकर की पावर क्या होती है और क्यों विपक्ष इसको लेकर हंगामा कर रहा है। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपसभापति सदन के संरक्षक के रूप में काम करता है। अगर डिप्टी स्पीकर सदन की अध्यक्षता नहीं कर रहे होते तो वो बतौर सांसद सदन में बोल सकते हैं। वरीयता क्रम में सभापति 10वें स्थान पर है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष 6ठे स्थान पर है। ऐसे में अब विपक्ष मजबूती से दावा कर रहा है कि कुछ भी हो डिप्टी स्पीकर का पद उन्हीं के पाले में जाएगा। अखिलेश यादव तक संसद में ये बात जोरों शोरों से कह चुके हैं। अभी सब सामने आ जाएंगी, सब चीजें सामने आ जाएंगी, सब सामने आ रही है अभी सब सामने आ रही चीजें। जो विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो, जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? अभी सामने आपको दिखाई देगा, इसी सीटों के बाद सदन है। खैर अब डिप्टी स्पीकर पद की गेंद किसके पाले में जाती है इसकी तस्वीर जल्द साफ हो जाएगी, लेकिन मोदी सरकार जिस तरीके से चाल चल रही है उससे विपक्ष हारता हुआ फिर से दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।